और वहीं जब सुबह सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे तो हमारे संवाददाता संदीप भी वहां मौजूद थे। जब सीएम का काफिला संतों के अखाड़े पर पहुंचा, जहां सीएम ने संतों से मुलाकात की, तो हमारे संवाददाता उस दौरान वहां का जायजा लिया। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र पहुंचे और उन्होंने दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही अखाड़े, जो तीनों अन्य अखाड़े हैं, उसके धर्म ध्वजा पूजन में शामिल हुए। उन्होंने वहां पर धर्म ध्वजा का पूजन किया और उसके बाद अन्य जो अखाड़े हैं उनसे मिल रहे हैं, उनके पदाधिकारियों से। आप देख सकते हैं इस वक्त ये महानिर्वाणी अखाड़े के सामने पूरा काफिला खड़ा हुआ है मुख्यमंत्री का, जो आके हर अखाड़े में जाकर वो वहाँ के पदाधिकारियों, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जो भी व्यवस्थाएँ हैं उसके विषय में जानकारी ले रहे हैं और क्या कमियाँ हैं, क्या व्यवस्थाएँ हैं या क्या अन्य व्यवस्थाएं उनको चाहिए, उसके बारे में जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही वो जो अन्य सुविधाएं हैं, जैसे शटल बस सेवा है, नाविकों को लाइफ जैकेट बांटने का है, और उसके अलावा जो ई रिक्शा का फ्लैग ऑफ होगा उसमें जो है शामिल होंगे, और साथ ही इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई और पूरे मेला क्षेत्र में इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई ताकि किसी को ना आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा हो। और मुख्यमंत्री का काफिला भी आसानी से हर अखाड़े में पहुंचकर वहां के साधु संतों और सन्यासियों से भेंट कर उनके विषय में जानकारी ले सके। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।